युवाओं के चहेते मशहूर पंजाबी गायक गुरमान भुल्लर और गायिका सिमरन चौधरी शूलनी मेले का मुख्य आकर्षण होंगी। इसके अलावा कुमार साहिल, गीता भारद्वाज, हेमंत शर्मा, कार्तिक तनवर व नरेंद्र ठाकुर हिमाचली कलाकार रहेंगे। ये जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने दी। उन्होंने बताया कि मेले से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जानकारी देते हुए सहजल ने कहा कि शूलनी मेले में शहरवासियों को किसी भी तरह की परेशानी न उठानी पड़े, इसके लिए उचित प्रबंध किए गए हैं। विभिन्न कमेटियां गठित कर उन्हें महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार मेले में पूर्ण रूप से पारदर्शिता रखी जा रही है और किसी भी कलाकार को मायूस नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी बड़े कलाकारों को पहली बार डिजिटल माध्यम से भुगतान किया जाएगा। मेले के हर पक्ष को ध्यान में रखते हुए गंभीरतापूर्वक तैयारियां हुई हों, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन हो, चाहे वो खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन हो, और जो विविध शो होते हैं उनको लेकर के काफ़ी समय से जो है तैयारियाँ चली हुई हैं। और मुझे लगता है सारी तैयारियाँ पूर्ण हैं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है, हुआ कई बार कि कलाकार मंच पर गए और उनको पैसे नहीं मिले। ये पिछले मेलों में ऐसा होता रहा है। अब कोई मंच पर जाता है और पहाड़ी कलाकार मंच पर जाए और उसको पारितोषिक ना मिले तो उसका हौसला जो है टूटता है, और आगे आने के लिए फिर उसको जो है वो समस्या भी होती है, आगे वो बढ़ भी नहीं पाता है। तो इस प्रकार का इस बार ना हो तो ये हिदायत दी गई। जो बड़ी पेमेंट्स हैं और उनको जो है वो डिजिटली जो है उनके खाते में जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा।